or do you take everything with a pinch of salt? Your decision is very. कभी कभी आप lost हो जाते हो, जैसे math आपका गलत हो जाता है, जैसे last time हुआ, but only because someone else is doing it, you don't do it. जैसे मैंने आपका आपके ऊपर वो भी किया था पिछली बार, एक बार जब मुझे नाम है, but you take it very sportingly, you know, and you understand my reasons, which is thank you, I appreciate it. That's a great quality. उसको ego लेके क्या करना है? मतलब उसमें कि नाम मेरी growth होती है. And sometimes, you know, you just like, I feel now, Zeeshan, for some reason I'm feeling that he's quite real. With you, I have developed a bond, you know. And I feel, first, my list is my. Yeh hai meri list. Sabse pehle Munawwar, bahut appreciate karta hu main uske intelligence ko, iske jokes ko, iske jo एक कला है लोगों को हंसाने की या लोगों को लाइट फील करवाने की. और नो डाउट ये बहुत सोचता बहुत है गेम को लेकर, यू नो, बहुत ही कनिंग है. लेकिन सबसे बेस्ट बात मुझे इसकी ये लगती है कि जिसके साथ ये दुश्मनी भी करता है या किसके साथ भिड़ता भी है, उसके साथ मना ही लेता है. मतलब इसमें एक गॉड गिफ्ट है कि कोई भी इससे नाराज़ नहीं होता है. हाँ, इरिटेट होते हैं लेकिन कोई इससे नाराज़ नहीं होता. और ये बहुत प्यारी गिफ्ट है जो देखूंगा कैसे अगर मुझ में ये इसका ट्रेट आए तो. बट इट्स अ ब्यूटीफुल क्वालिटी ऑफ मेकिंग पीपल लव हिम बैक. एंड ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी वेरी गुड कंपटीशन. और मैं इससे भी देखता हूँ आगे, बहुत आगे देखता हूँ मैं. तो अच्छी एक टक्कर की फाइट होगी, मजा आएगा. सो लुकिंग फॉरवर्ड. लास्ट नाम है अली. फॉर ओनली रीजन अली भाई, अली भाई नहीं, अली छोटा मेरे से पर अच्छा लगता है अली भाई बोलने से. बट एनीवे, अली अली का मैं ये कहूँगा, अभी आ रहे हैं वो धीरे धीरे गेम में. आई विश ये ऐसा ही जज्बा इन्होंने पहले वीक से दिखाया होता तो अभी अली भाई बन जाते. सो आई रियली फील दैट ही इज़ ट्राइंग वेरी हार्ड. एंड अभी तक मैंने जैसे कि ज़ीशान आए, विनीत भाई आए, मंदन आई, आजमा आई, और उन्होंने आते ही धमाल मचाना शुरू कर दिया. दैट्स वेयर आई फेल्ट ही लैक्ड. सो उस हिसाब से मुझे लगता है थोड़े गेम में उस हिसाब से वीक है. बट हफ्ता अभी भी बाकी है. ओम नमः शिवाय. स्लेट बेला नैन जीजा, दैट्स फॉर यू. लीजिए. थैंक यू. उससे देखा कि मैंने कुछ गलती कर दी. निशा, ये है मेरे नाम. पहला नाम है आजमा का, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शी इज लिटरली लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर. मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी चाहिए. सो कटिंग माय लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि मैं उनको ट्रस्ट नहीं कर सकती इस वजह से, और मैं आ रही हूँ आपके बिना बुलाए. एंड दैट इज फॉर काविश. थैंक यू. क्या क्यूट है यार. द ग्रेट करणवीर बोरा विद रिस्पेक्ट. यार विद रिस्पेक्ट. अंजलि. फर्स्ट नेम इज मुनव्वर. बिकॉज ये यहाँ पे कोई कनेक्शन लिस्ट नहीं लिखनी थी, बेस्ट प्लेयर लिखने थे, और मेरी तरफ से बेस्ट प्लेयर मुनव्वर ही हैं. और अली आज जो हुआ उसके बेसिस पे अली लास्ट. शॉर्ट एंड स्वीट. आजमा, सबसे पहला नाम है मेरा पायल. पायल एज अ व्यूअर मैं देख के सोचती हूँ कि उसको बहुत अच्छे से पता है सबको, घर सब घर वालों को उसको उसके पीछे कैसे लगाना है. चाहे कैसे भी हो,
कुछ भी करती है खतरनाक करती है और सारे घर वाले उसके पीछे लग जाते हैं, सारी अटेंशन पायल को मिलती है। और लास्ट है मंदना। मंदना इसीलिए क्योंकि पर्सनल अटैक करती है और शेमिंग भी कर रही है आजकल, इसीलिए रोज रोज करती है। लीजिए आप, क्या हम जा सकते हैं? पूनम। मेरा सबसे पहला नाम है मुनव्वर का, क्योंकि ये बहुत बड़ा कमीना है, मैनिपुलेटर है। इसको जीत की भूख है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है इसको देखकर। गेम्स को इतने सीरियसली खेलता है, बहुत मुझे सीखने मिलती है इससे चीज़ें, एंड आई अप्रिशिएट इट एंड आई लव द फैक्ट ये हमारे ग्रुप में है एंड हमारा ग्रुप बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो यस फॉर माय नंबर मैनिपुलेटर। मेरा लास्ट नाम है अली का, बिकॉज अगेन आई मीन इज़ अ गुड फ्रेंड, नो हार्ड फीलिंग्स, बट उनकी कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आ रही आजकल। उन्होंने टिशू पेपर आके मेरे बैराग में फेंका जो मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आई। आज सुबह मैं भड़की थी, मैं सब पे भड़की थी, मैं उन पे नहीं भड़की थी, पर उनका रिएक्शन मेरे अगेंस्ट था, मतलब ओके ठीक है व्हाटएवर। उसके अलावा जो अंजलि के साथ भी हुआ वो मुझे ठीक नहीं लगा, तो सो आई एम सॉरी। Thank you very much. Because I did a mistake, which I corrected. Mandana. हाँ जी। तो ये मेरा list. अंगली कौन है? A G L I. अरे same हाँ। my first name is Munawar because he's one of the player also. Before I entered the show, the things that I watched about him was quite amusing. And since I've walked into the house, I've told him also many times, it's fun to play with him. This is to do until yesterday. I'm not sure what I think about you after today's task. So we'll talk about it. And my last name is Ali. Again, I'm saying this is all how I feel about everyone, like until today before the task and all. I feel like I think I miscalculated and misjudged Ali, and somewhere back of my mind and my heart, I'm feeling a little bit disappointed and upset because I felt like Ali could be one of my guy friend in the house. And I think I kind of, without even accepting it emotionally, I invested in Ali. Because I remember the conversation I had with Ali before the task. It was very personal. It was more of like a friend to friend by not knowing him. And I feel I don't have a grudge towards you, but I feel like hurt a little bit. So yeah. बात नहीं भी कर रही है फिर भी बात नहीं भी कर रही फिर भी टॉप पर हो तुम बताओ बात करते तो क्या होता ज़ीशान ज़ीशान विनीत इज टॉप 5 सो मेरा सबसे पहला क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम हुआ है और मुझे बहुत मैं सबको बराबर से जान नहीं पाया हूँ मेरा पहला नाम अली है बिकॉज आई फील थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड है एंड वो ही आई थिंक एक ओपिनियन बन गई है उसके बारे में गलतियाँ आई थिंक सब करते हैं बट उसको वो गलती से रिकवर करने का मौका नहीं मिल रहा है सो आई थिंक इफ गिवन द चांस आई थिंक अली कैन बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हियर मेरा लास्ट नाम है शिवम नो हार्ड फीलिंग्स बट हमारे बीच में जो भी चीज़ें हुई है मेरे को समझ में नहीं आई क्यों हुई है एंड आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट बट आई स्टिल हैव नो आंसर सो होपफुली आई थिंक इन फ्यूचर मे बी ऐसी चीज़ें मतलब जो बेसलेस चीज़ें होती है वो ना हो एंड मे बी आई थिंक आई विल नो हिम बेटर वंस वी गेट रिड ऑफ ऑल दैट स्टुपिडिटी दैट गोज़ ऑन
So yeah, so Shivam for now. Set. Oh, number one. This is only cook. Thank you. One step ahead me, you know. So. Yeah, well. Vineet! Anjali is my personal favorite in the show. जो कि मेरे को एक दिखाओ 24 घंटे ही हुए हैं मुझे शो में आकर, लेकिन इफ आई हैव सीन समबडी ग्रोइंग इन द शो इज अंजलि, एंड शी इज डेफिनेटली अ गुड गर्ल एंड वेरी स्वीट क्यूट नाइस. जितनी तारीफ करो उतनी कम है, और अच्छी भी लगती है. एंड लास्ट इज फारूकी, बिकॉज आई हैव लाइकवाइज वी डिड नॉट गेट टाइम मच टाइम टू टॉक टू ईच अदर. सो अब जब टाइम मिलेगा तो बात करेंगे. कि दूसरों के ओपिनियन खुद छापते हैं. बस मतलब यही भी नहीं है. तो बस दिस इज देगा. Anjali, now you trust me. You're my favorite. अभी सबके सामने बोल दिया मैंने. विशाल नहीं बोल. Thank you, thank you. Sweet तो है यार. Sweet, वंदना. वो खा सकते हैं. Ali, you were number two. सारे कैदियों, ध्यान से सुनो. इस रैंकिंग का अंजाम तुम सभी को बहुत जल्द पता चल जाएगा. अब बात करते हैं इन पोडियम्स के बारे में. इन दोनों पोडियम्स के ऊपर रखे हैं दो दो क्यू कार्ड्स. मैं तुम सभी को बताना चाहूंगा कि आज बेनकाब जोन में एक खुफिया खेल खेला गया था. लॉकअप के नए कैदियों से सबसे पहले यह पूछा गया कि वो कौन से ब्लॉक में जाना चाहते हैं. उनके जवाब उन्होंने अपने अपने क्यू कार्ड में लिख दिए हैं. जीशान ने चुना है राइट ब्लॉक. Thank you guys. तूने क्या चुना भाई?